आपको जहाँ से लगता है कि आपका काम हो जाए वही करिए। अगर मान लीजिए कि एक आदमी जहाँ भी जो डिसीजन हो वहाँ कर दीजिएगा तो सबसे अच्छा है। हम चाहते हैं कि सर ये काम टीचर के ही अनुशंसा से हो, क्योंकि डीएमएफटी का भी देख लिए हैं, उसका भी लचर स्थिति है, करा नहीं पा रहे हैं। जो है यहाँ का जनप्रतिनिधि वैसे तो जगहों पे काम कर रहा है जहाँ पुल पुलिया का जरूरत नहीं वहाँ पे पुल बन जा रहा है, लेकिन ले जाने के लिए सड़क तक का व्यवस्था नहीं है। खैर वो तो छोड़ दीजिए, अब सर नेक्स्ट पॉइंट आइए। रोड सेल के कोयले में 75% हिस्सा स्थानीय, ये क्या चीज है? अभी लोकल सेल चल रहा है सर, आप ई ऑक्शन के माध्यम से कोयला को बेच रहे हैं, ठीक है, जिनकी जमीनें गई उनको तो किसी तरह से नौकरी मिला, मुआवजा मिला, 2 एकड़ में जमीन गया, बाकी प्रभावित है, विस्थापित है, कितना लोग इन्वॉल्व है इस कोयले के बिजनेस में, आप रिजर्व प्राइस में जेएसएमडीसी को कोयला दे रहे हैं 2500 रुपये में, 3500 रुपये, 3000, जो भी स्लैब में आप कंपनीज को दे रहे हैं, यहाँ का जो प्रभावित है, विस्थापित है, जो दूध दर्दा खा रहा है उसको क्या मिला, और कितने स्थानीय यहाँ पे अगर नौकरी में है तो कितना लोग है, तो उस पॉलिसी के तहत में जो ई ऑप्शन कर रहे हैं, जो आप कोयला पब्लिक ऑप्शन करवाते हैं, बाहर के लोग इसमें जो डीओ लगा रहे हैं, हम चाहते हैं उस कोयले में रिजर्वेशन स्थानीय लोगों को रहे 25% उसमें आप रिजर्व कीजिए, ताकि यहाँ के लोग रोजगार पर हो सके। ये तो आपको माध्यम से बात जाएगा कि यहाँ का वैसा डिमांड क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप सर एक चीज बताइए, यहाँ से आप तो प्रोजेक्ट हेड हैं, अरबों का कोयला करोड़ों का कोयला डेली मंडियों में जा रहा है, बट यहाँ का लोकल हाइट्स का आप देख लीजिए, लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, लाइफ स्टाइल देख लीजिए, क्या ये लोग डेवलप हैं उस लेवल का, जिस लेवल का यहाँ से कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कोल इंडिया पैसे बना रही है, सरकार चल रहा है, टैक्सेज आप दे रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, यहाँ का लोगों का जमीन से सब कुछ निकलते जा रहा है, लेकिन यहीं का लोगों का स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है सर। आप इम्प्लॉयमेंट प्रत्यक्ष रूप इम्प्लॉयमेंट किसी को प्रत्यक्ष रूप से तो मिल नहीं रहा है, तो भाई एक अप्रत्यक्ष रूप है। मेरे को बताइए अभी जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड जो है बोलना है, हम तो चाहेंगे कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड A1 हो, सबका अर्निंग कैपेसिटी हो, परचेजिंग पावर बढ़े, है हम भी एम्प्लॉयर से 18 महीने हो तो थोड़ा सा एरिया का जो स्थिति है जो ठीक नहीं, लेकिन इसको अब जब जाके तभी समझ रहे, हम तो बोलते हैं कि यार आप क्या पढ़ाई की है, MBA सर, MBA आपको जो है आप यहाँ कोयला खदान के इसमें कभी आपको नहीं लगा कि हम माइनिंग इंजीनियर बन जाए, फॉरवर्ड बन जाए, जितने लोग ये पढ़ लिख रहे हैं या यहाँ पर कोई अगर मान लीजिए बाहर में जाके नहीं पढ़ पा रहा है तो प्रोफेशनल कॉलेज ही खोल देता है ना, वो सब चीज वही चीज बोल रहा है। यहाँ पर मान लीजिए सबका फाइनेंशियल स्थिति वो नहीं है कि जाके धनबाद में पढ़ ले या नोएडा हो एक कॉलेज है आदमी, तो ये सब जगह जो है ना इसको हम लोगों को इस टाइम सोचना चाहिए था। और इसमें जो है मान लीजिए उतना कॉम्पिटेंट नहीं है या मेंटली उतना सक्षम नहीं है कि नेशनल लेवल पे कम्पीट कर ले, आपको तो किसी ने रोका नहीं, मान लीजिए आप ही ओवर में रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आना होगा,
इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन है, मैकेनिकल फोरमैन है, क्या तो है ना, तो इसको कैसे कर सकते हैं? जो हो गया तो हो गया, लिख दिया ऑल इंडिया को बने हुए करीब करीब हो गया हमारा 75 से है, 75 से जो कितने की अड़तालीस साल हो गया अभी तो अभी जो है आपको समझ नहीं आया, इससे पहले जो बुजुर्ग थे उनको भी आता तो भाई क्षेत्र में इसी डमाडोल इसीलिए कि लोगों ने चीजों को समझा नहीं, सिर्फ अपना हित देखा, लोगों का हित किसी ने भी देखा, आप भी अच्छी तरह से अवगत है तो इस पॉइंट पर आपका क्या मानना है? अभी भी देखिए, अभी भी जो है ना आने वाले दिनों में यहाँ पर इतना काम आएगा, इतना माइंड डेवलप करेगा, अभी बोलने से किसी को विश्वास नहीं होगा। वही तो मिलता कहा है सर, इतना दिन का तो माइंड से रखा है वो धरातल पे नहीं है सर, आप भले आप लड़ाई सर आपसे नहीं आपके कुर्सी से, अगर कुर्सी को राइट आपको पता है सर तो हम लोग को एक्सप्लेन मत कीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ लड़ाई का कोई स्कोप ही नहीं, अगर तुमको कोई जरूरत है और हम कर सकते हैं हम करने में क्या परेशानी। तो ठीक है सर, वो सेकंड पॉइंट पर आपका क्या इसमें क्या रोल रहेगा, ये तो मेरा डिमांड है, आप कहाँ पे डिमांड को क्रिएट करेगा? ये जो है जैसे अभी जो रिजर्व प्राइस में जो पावर प्लांट को जा रहा है वही पावर प्लांट कोयला जो है ना और पावर प्लांट को जा रहा है, बाकी कोयला को जो है जेएमडीसी क्या सर पावर प्लांट सरकारी संस्था है गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट क्या था पब्लिक के लिए ना, लेकिन यहाँ पब्लिक फायदेमंद नहीं है ना, एक डीएमएफपी का पैसा तो ले नहीं पा रहे तो उसको कैसे होगा इस पर विचार करो ना, कैसे करना है जी आपका इसमें क्या अनुशंसा रहेगा उसके बात कीजिए, आप क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पर? अगर मान ले यहाँ से यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय को, यहाँ के युवकों को, यहाँ के बेरोजगारों को अगर कुछ बेनिफिट हो जाएगा मेरे को भी अपने साथ रोजगार से कैसे कनेक्ट करेंगे सर, हर किसी को तो आप नौकरी दे नहीं सकता, बिजनेस से तो कनेक्ट होगा, इतना कॉन्ट्रैक्टरी होगा अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्टरी अगर घोसी का रोहित नाम बताए ना रवि अगर रवि कॉन्ट्रैक्टरी करता तो मेरे को क्या पैसा, हाँ कंपनी तो पैसा खर्चा कर ही नहीं भाई, अगर वो पैसा वो काम रवि कर देता तो और अच्छा क्यों नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टरी करना, रवि को मिलेगा तब ना, उस तरह से क्षेत्र का कॉन्ट्रैक्टर जो भी जिनका अभी जो है ना 1 करोड़ तक का चिंता मिलेगा ना, वहाँ तो कंपटीशन रहा था, कंपटीशन है हम लोग छोटा पूंजी वाला वहां कोई नहीं टिक सकता, वहां पर बड़ा बड़ा ठेकेदारी टिक पाएगा, ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, एक चीज है कंपनी का एक पॉलिसी है कि पॉलिसी सुधार करना है, अरे नहीं सुनो तो विस्थापित है ना, विस्थापित बेरोजगार लोगों के लिए एक पॉलिसी है कि 1 करोड़ तक का टेंडर जो है उन लोग को डायरेक्ट मिल जाए, बनाए सोसाइटी बना है विस्थापित तो सर आप फेयर कार्ड निर्गत कराए हैं, फेयर कार्ड निर्गत कराएंगे तब ना हम विस्थापित को क्लियर है, विस्थापित को भाई 2 दिन 5 किलोमीटर जो है ना वो उनको उसे प्रोजेक्ट के ऊपर माना जाता है, अगर उस तरह का आदमी जो है एक सोसाइटी बनाइए और जिससे कि 1 करोड़ तक का काम कह रहे ग्रुप सोसाइटी को मिलेगा, पॉलिसी आया हुआ है और जितना जो टेंडरिंग हुआ ट्रांसपोर्टेशन हुआ लेकिन उसके लिए सोसाइटी बनाना पड़ेगा, यही तो सीधे तौर पर की जाए, इसमें एक उसी का प्रॉब्लम है ना, तो उसको लेकिन उसके सोसाइटी बनाना पड़ेगा, इस आदमी चाहिए तो उसके पॉलिसी जो है उसको लेकर के देख लीजिए उसका जो क्या क्या बोलता है, आपको बता रहे हैं यहाँ पर 18 मिलियन टन 180 लाख टन का एक एरिया होगा, आज नहीं हो 5 साल बाद हो 6 साल बाद हो कैसे होगा, झारखंड अपने 1 मिलियन टन का
पुत्र बसंत सुनिए अर्जुन सो को ड्यूटी में तुम चले परिवार नियोजन तो उसको जो है वो इंस्टेंटली यहाँ लोग देखा कि हाँ उसको जरूरत है सेवा का तो लेके गए कर गए थे नहीं सर ऐसे फिर मैदान था मैदान तो करना ही है अगर जानकारी आ जाता है कि किसी को इमरजेंसी है तो क्यों नहीं करेंगे डॉक्टर साहब से डायरेक्ट कर देंगे हमको तो असर लग रहा है कि आपको कहीं सब दिमाग में है तो आपको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए उत्तरी ले लो दक्षिणी ले लो और इधर का घोसी टाइप का वो देखते हैं और एडिशनल अगर कुछ चाहिए जो है करके तो पता नहीं एक नल जल वाला का कितना तक आया है ये तो फिर वही इस एसआर मत के मैं जितना करिए एप्लीकेशन दे करके है ना इसमें लेकिन थोड़ा लगता है क्योंकि इधर मैं देख रहा था 5-6 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है कुछ भी हुआ हमको तो नजर में आया नहीं कॉलोनी बना है कॉलोनी जैसे बना बना तीसरा पाइपलाइन जुड़ा हुआ कॉलोनी के लिए गांव के एक बूंद पानी नहीं गया एक बूंद इसको जो है आप एक चीज क्लेरिफाई करेंगे सर आपका सीएसआर का क्या पॉलिसी है किस आधार पर उसको जो है हम बुलाए थे उसको सीएसआर बुलाया नहीं जो आना चाहिए ना सर आपको भी पता है इफेक्टेड एरिया है ना इतना खर्चा करो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स आपको खर्च करना है आप उस पैसे का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इतने माइंड चल रहा है कुछ भी नहीं ये नॉर्म है सर सुनो ना अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नहीं खर्चा करेगा वो होना ही है सर इसको हम लोग एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं और जो भी जिस स्टेज में अगर कुछ अगर रुकता है या कुछ कानून बताता है तो बात करेंगे ठीक है और नहीं तो उसको क्या बताया आपको माइंड इफेक्टेड लोगों को डेवलपमेंट करना अंडर आर्टिकल 135 हम इसलिए बोल रहे हैं आपको नहीं लगता है कोई सुझाव है हां तो उसके अनुसार आपको दायित्व तो बनता ही है वो आपका फर्ज बनता है हम लोगों को बताने के लिए जरूरत पड़ रहा है ये खराब लग रहा है सर आप मैनेजमेंट है आप प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं और आपका क्या दायित्व है हम लोगों को बोलना पड़ रहा है एक तो 1.5 साल लेट किए लेकिन आपको तो मालूम है सर सीआरआर फंड कहां देना चाहिए हम लोग को बोला लेट किया एप्लीकेशन मिलेगा करो करो इसको जल्दी जल्दी जैसे गाली कर दी गाली दी सर आपका क्या पद बिजली का काम जितना हो रहा है मतलब तो काम नहीं मिल रहा करने के लिए अगर कहीं पर है तो कर देगा उसको सर कहीं पे नहीं हर गांव में आपका सर से लेकर जो तक आप जो खर्च करके जो फोन लगवाए हैं मार्गदर्शन में या लाइट लगाने के लिए एक चीज बताइए जो खर्च करके आप लगवाए हैं मार्गदर्शन में ये तो लाइट लगाना है एलईडी बल्ब आदमी एक रूम में 5-6 लगाता है आपका एक एलईडी बल्ब लगा है पोल में वो पोल के ऊपर में ही लाइट रहता नीचे तक आता नहीं 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 ऐसा नहीं पूजा में जो है पूजा में कम से कम ऑफिशियली नहीं आया तो अपना एडजस्ट करके करीब करीब 1 करोड़ का जरूर वो बिल खड़ा हो गया होगा मगर अगर 50 तक कभी अपडेट लगा देगा ना बहुत ही जोला हो जाएगा अभी अगर इस टाइप का अगर कुछ हुआ भी होगा हम आरटीआई फाइल किए हुए हैं एक रेट एक एक्सपेक्टेड तो मतलब 2500 10 पोल नहीं नहीं 10 पोल नहीं है टोटल वहां पर 35 पोल है और उसमें जो है हर पोल में जो है वोट कहीं गए पता नहीं हम क्या रखे हैं अरे नहीं 35 पोल
मीडियम बोल है चले। अच्छा सर देखिए मीडियम बोला इनका था कि मतलब जो पोल है ये लाइटवेट का है, देख लीजिए इसको, मतलब अभी हम इसको क्लियर करवा। नहीं 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 सर, अभी तक देखिए आप जहां बैठे हुए हैं एक के लिए इधर आ जाएगा, ये लाइटवेट लगा हो एक समस्या का, तो खुला जगह पर है तो बड़ा हॉल जैसा लगना चाहिए वहां, इसका सलूशन जरूरी है। ठीक है, आपका सिस्टम प्लान नहीं पर होते हैं, हम उन्हें पर होते हैं। अच्छा वहां अच्छा लगता ना, आपका नाम होता है कहां ये फ्यूल लगा के चले गए, लाइट होता हाथी उठी का दिन भी आता है, तो हाथी भी रहता है सांप जानवर उन्हें तरवे करता है, कोई पलायन में जा रहा दस बजे छुट्टी करके, कोई पलायन में दस बजे छुट्टी लेकर जा रहा है, किसी तरह हालत पहुंचना है तो क्या करोगे, तो नया उसको दे दीजिएगा। जानते हैं ना मत 33 को पोल है लेकिन 10 को उनमें लगाए लाइट फिर वही अरे ये आपका बेनिफिट हुआ, पूजा में भी नहीं देंगे लाइट, पूजा में भी नहीं देंगे। पूजा सर तो जैसे वहां लिखा हुआ है कि जो गांव पोल गड़कर हो गया है, तार सही नहीं है, कट जा रहा है इंसुलेटर, हां उनके लिए सर बुला रहा हूं 2 मिनट के लिए, ये तो तुम लोग भी कर सकते फुटबॉल मैच में वो विधायक जी आए थे, वो तो बोले भी हमें करवा दे रहे हैं बाउंड्री, आपका क्या फायदा होता है सर, क्या सर बोल के गए उसको छोड़िए ना गोली मारिए, एक ही जगह बना विधायक जी लोग, वो विधायक जी लोग पर चुनावे के लिए बनाया उनका क्या बोलते हैं ना, आज से नहीं हम बोल समझिए कि वो लोग यहाँ राजतंत्र चला रहा है, नहीं लगता हर साल 2-4 बार आते ही है और खास करके जितिया में पहुंचते ही है, सड़क का स्थिति से अच्छी तरह से अवगत है, लोगों का मुसीबतों से अच्छी तरह से अवगत है, लेकिन उनका संज्ञान किसी भी तरह से ग्रामीणों के प्रति है ही नहीं, कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों के लिए वर्क कर ही नहीं रहा है। वो क्या बोलता है भाई सीसीएल कवर्ड एरिया है, जमीन लैंड जो अक्वाइंट किया हुआ सीसीएल क्षेत्र में, तो हम लोग इस पर कुछ काम नहीं कर सकते हम, ठीक है विधायक भी ऐसे ही ठीकरा निकाल दिया, मैनेजमेंट जी आप भी वही बोल रहे हैं कि विधायक भी आए थे वो कर दिया था, वहां पर मैं था वो अनाउंस, अरे वो बस बोलने के लिए नेता लोग तो आप जानते ही सर, लोग बस बोल के ही निकल जाते हैं, निकलते हैं सब बोलते आए हैं, इतना दिन से वो आ रहे हैं, हमको लग रहा है ये सेकंड टर्म उनका एमएलए का रहा है, उनसे पहले रहे हैं उनके फादर वगैरह, तो उसके बाद तक जो है अभी तक किसी तरह से वहाँ पे चार दीवारी का मांग का निर्माण हमको नहीं लग रहा है, वर्षों से है जब से जीतिया वगैरह का मैच वैच चल रहा है तब से थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए लोग ग्रामीण, नहीं नहीं वहाँ पर हम दो बार गए और लोग बताए कि वो स्कूल जो है 1955 में बना है, लेकिन देखने का लगे 1955 में जो स्कूल बना है अभी तक उसमें काफी मतलब डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन मतलब 55 मतलब कितना साल हो गया, 65-70 साल हो गया, और वहाँ का जो जो ग्राउंड जो है उसका बाउंड्री हुआ या फॉर दैट मैटर उसका जो डुबू बाबा जहाँ पर ही जो करता है वो सबको वहाँ पर काफ़ी लगेगा, लेकिन और एक चीज़ और हमको तो वहाँ देखने से लगा कि जगह खेती खेत इतना है लोग पानी की वजह से खेती नहीं कर पा रहे, इतना बारिश का पानी सब वेस्टेज जा रहा है, तो अगर उसको अगर एकुमुलेट कर दिया जाता वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस करना तो चाहिए, ये सब सिस्टम है सब, लेकिन तो इसको जो है ना इतना सारा काम एक बार में लेने से बहुत सारा मतलब इतना 14 पॉइंट है, तो उसको जो है कुछ कुछ जैसे स्कीम जो आ रहा है उसमें से जैसे अमृत सरोवर टाइप का तो उस सबको एक डेवलप करने की सीसीएल का स्कीम आया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं, कोई दिया नहीं जगह, तो उसको जो वही खोजता है सब स्कीम वही जनप्रतिनिधि का। सर इस ग्राउंड वाला मुद्दा में कुछ आप अपना बात रखिए सर, नेता होता वाला बात चीज है, हमको जो है ग्राउंड का अगर बाउंड्री हो जाएगा, ग्राउंड का अगर सुंदरीकरण हो जाएगा हमको क्या परेशानी है, आप मुद्दा रहा होगा कैसे करने के लिए पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, ये सब काम जो है सीएसआर फंड से ही होगा, एकदम सर एकदम आप हिसाब को रेगुलेट कीजिए, आप ये जो है जो प्रपोजल बढ़ाइए हम करो आप करते उसको आगे, तो इसमें आवेदन देना होगा, आवेदन देना ठीक है, और इसमें सर ये नेटवर्क जो रोड खराब है उसके बाद में आप जिस मैटर पे है अभी सीएसआर वाला है जो सीएसआर जितना बोले की सीएसआर का जो भी वर्क होगा आप उस पर
इमीडिएट फोकस करना है उसमें एकदम तुरंत। हम लोग वैसे ही चीजों को लोगों को बताएंगे कि पीयूष सर ने यही बोला। एक चीज बता रहे हैं जो सरकारी पैसा को अच्छा करने के लिए जो प्रोसेस जो है ना उसी में होगा। हाँ जो भी आप उसमें टाइम लेके बैठ टाइम लेकिन उसमें देना पड़ेगा। और ये सर डिसीजन से आपका अभी सीएसआर का जो भी चीज है एकदम इमीडिएट इफेक्ट है आपको भी सीरियस लेना है। आपने बोला कि आप लोग इतना दिन कहाँ थे लेकिन आज हम लोग आए हैं जो चीज इमीडिएटली हो सकता है चीज को आपको इमीडिएट कर लेना। आप बोल दिए अभी मेरा काम है ठीक है बस ठीक है सर ठीक है थैंक यू सो मच सर।